अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मसालेदार पराठे। हाँ जी, वो कैसे बनाते हैं आसान तरीके से वो आपको बताएंगी हमारी मामा जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुमा आमीन। हाँ जी, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार करारे करारे मसालेदार पराठे। हाँ जी, तो जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम आपको बताते हैं। ये देख लें, एक प्याज हमने ले लिया है और ये एक प्याज पड़ा हुआ था, पहले भी रेसिपी में आपको बताया था, हरा प्याज ये निकला हुआ था, मैंने सोचा चलो ये भी शामिल कर लेते हैं। हाँ जी, तो एक इस तरह का प्याज आपने छोटे साइज़ का ले लेना है, एक टमाटर, एक ये शिमला मिर्च है, दो सब्ज़ मिर्चें हैं और ये पुदीना है। इसको आपने प्याज को कट कर के चापर में चाप कर लेना है, चाहे तो आप ना छुरी की मदद से भी ना कट कर सकते हैं, वो अपनी अपनी चॉइस होती है ना। हाँ जी, हम मसालेदार पराठे बना रहे हैं, इसके लिए हमें चाहिए जो जो चीज़ें इसमें आपने कट कर लेनी है, तो बहुत ही मज़े के पराठे बनेंगे। तुसी कहोगे कि वाकई भाई ये पता है, पहले ज़माने से बंदे खाते होंगे सी मिसी रोटी, समझो वो ही है, ठीक है, मिसी रोटी। हाँ जी, देखें यहाँ पर हमने चॉपर में चाप की, अगर आप लोग कट करेंगे तो आपको बिल्कुल बारीक उसे काटना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको आटे में गूंदना है, तो उससे वो जब हम रोटी बनाएंगे तो बहुत मुश्किल से बनेगी। तो आपने उसको ना इसी तरह आप चॉपर में चॉप करिए, तो फुल बारीक आप लोग उसे काटिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चाप काट लो तो फिर मुश्किल आसान हो जाती, क्योंकि जिस टाइम अच्छी रोटी बना लगे वो ना, तो फिर फटती नहीं है, तो इस तरह चॉप कर लोगे तो बहुत आसान पराठा, सोहना पराठा बनेगा। ते नाल ही असी टमाटर काट लेना, सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दीतियां सी, प्याज भी ते नाल ही टमाटर नू, असी सारा सोना करके मैश करके रख लेना, ठीक है। हाँ जी, अगर जेड़ी चीज़ तुहानू नहीं पसंद या टमाटर नहीं पसंद या फिर शिमला मिर्च नहीं पसंद, तुसी ना स्किप कर सकते हो, ठीक है। ऐ तो नहीं मैं बोल दिता, तुसी वो ही करना जो तुहाड़ी अपनी ख्वाहिश हुंदी है वो भी तुसी कर सकते हो, ठीक है। तुसी शिमला मिर्च नहीं पसंद करदे होंदा ना, कोई बंदे नहीं पसंद होंदे, तुसी ये स्किप कर सकते हो। जे तुसी ज़्यादा इस्तेमाल करने, ज़्यादा तुसी पराठे बनाने, तो तुसी चीज़ां जेड़ियां मकदार बढ़ा देनी, ठीक है, आटा भी तुसी ज़्यादा कर लेना है, तो या फिर अपनी फैमिली के हिसाब ना तुसी बनाओगे तो इंशाल्लाह बहुत ही सोहने बहुत ही मज़ेदार पराठे बनेंगे, तो तुसी बनाओ ट्राई करो, तो अलहमदुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बनेंगे। तो लो जी, नाल ही असी पुदीना भी धो लवेंगे। हाँ जी, तैने धो के तो सोहना बरीक बरीक ना कट लवेंगे, पत्ते उतार के ना बरीक बरीक काट लवेंगे, जिन्ना तुहाड़ी मर्जी तुसी काम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। पत्ते उतार के बरीक बरीक काट लवो, तो बहुत ही सोहनी पराठियाँ च ना खुशबू आएगी, तो ट्राई करो, तो बच्चों बना के दो, तो तुसी सुबह लंच टाइम ना बच्चों टिफिन में भी बना के पैक करके दे सकते हो, तो बच्चे बहुत ही खुश होंगे। असी बनाए से सब नू बहुत ही पसंद आए सन, बहुत ही ज़बरदस्त लगे से, तुसी चाय नाल भी ले सकते हो। बाकी जेड़ा फिर अगे जाके तुहानू दसने किस तरह साढ़े पराठे असी बनावांगे। हाँ जी, तो वेखो इधर सारिया साड़ियाँ चीज़ा हो गया ने चाप, ये इसमें है क्या, ग्रीन चिली, टमाटोज, ओनियंस, हाँ जी, तो वो पुदीना है और ये हरा प्याज है। हाँ जी, तो नाल ही असी आटे दे विच सारा कुछ शामिल करके ना सट सुट के तैनू मिक्स मुक्स कर लवेंगे, तो टेंशन नहीं लैनी कि हाँ अल्लाह की बन चल है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनेगी, ठीक है। हाँ जी, तो नाल ही असी सारा कुछ सुट दिता वे। हाँ जी, अभी हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप लोग कर सकते हैं, इसमें आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं, पुदीना आप थोड़ा करना है ज़्यादा करना है वो आपकी अपनी चॉइस है, टोटली आप पर होता है, हमें जितना पसंद है हमने उस मकदार में ऐड किया है। यहाँ पर जी हमने सॉल्ट ले लिया है 1.5 टेबल स्पून, और इसमें बाकी जो चीज़ें चाहिए वो हमें मामा बताएंगी। हाँ जी बिल्कुल, 2 चम्मच मैंने नमक सुट दिता है, तो हूँ नाल ही मिर्चा सुटांगे, 1.5 चम्मच सुट दतिया ने, तो नाल ही जोड़ा जनाब जाएगी 1/2 चम्मच हल्दी, कोई आंडी वाले सारे मसाले जानगे। हाँ जी बिल्कुल, करारे करारे रोटी जी बनानी हो बिल्कुल, हाँ जी इस तरह करना, नाल ही असी सड़ दिता जे जेड़ा जीरा भी सड़ दिता है, तो नाल ही असी सुक्का जेड़ा ना गरम मसाला पिसिया भी सड़ दिता, ठीक है। हाँ जी, तो सारे मसाले सट दो, रोड़ दो बस, नहीं इतने भी ज़्यादा नहीं ना ऐड करने के, बस रोड़ ही दें हम।
अपनी फैमिली के हिसाब से आप लोग कम कर लीजिएगा, ये ना हो आप ज्यादा ही ऐड कर। हाँ जी बिल्कुल, नहीं है ऐड इतनी है। हाँ जी नाल भी हल्का जहाँ तुम आयल भी सुट लेना, ठीक है जी। घ्यो तुम डालटा इस्तेमाल करो तो भी कर सकते हो, ना करारे करारे थोड़े जेडे बनने ना पराठे वह क्रिस्पी क्रिस्पी बनन गए। आटा गुन्न के नाल ही जरा आयल करोगे ना चावल तो बहुत ही जबरदस्त पराठे बनन गए। हाँ जी, तो नाल ही नॉर्मल पानी लैके ना प्यारा जहा आटा गुन लेना, ठीक है देख रहे हो ना। हाँ जी, तो मैं कह रही सर पता नहीं कि एक चीज़ काम है, मैं याद है दादन मरचा ही शामिल नहीं कीतियाँ, तो दादन मरचा तो जी है ना आंटी की शान होंगी पता है, वो ना हो बिरयानी बना लगे दादन मर्च ना हो तो आखिर वह दूसरे ना तो बिल्कुल सुरह लाल हो जाती ना। तो वेखो साडा हो रहा रेडी आटा, इन असं दो तीन मुक्कियां लगा के ना थोड़ी देर ना छोड़ देवे 15 मिनट रेस्ट देवे। आटा सोहना गुजे आवे तो सोहनी रेस्ट दिती हो ना तो बहुत ही सोहने पराठे भी बनते हैं, तो सुखी रोटी बनानी हो ना तो भी बहुत ही सोहनी बनती है। हाँ जी बिल्कुल, अगर इसी तरह हम मैदा वगैरह गूंथते हैं ना किसी चीज़ के लिए तो उसको भी रेस्ट ज़रूरी होती है। अगर आपने यीस्ट उसमें इस्तेमाल की है नहीं की तब भी रेस्ट देनी होती है, वो असेंबल हो जाते हैं, उससे आपकी जौन सी भी चीज़ बनती है वो बहुत नरम बनती है। यहाँ पर 15 मिनट हमारे गुजर गए हैं, अभी हम बनाएंगे मज़ेदार से पराठे। हाँ जी बिल्कुल, टाइम साढ़ा हो गया से देखो कि सोहना आटा हो गया। तो आटा जिस टाइम तुम गुनने लगे ना ध्यान रखना जिस टाइम इस तरह करारे या मसाले वाले पराठे बनाने हो थोड़ा आटा सख्त रखी दा, क्योंकि वह फिर अगे जा के ना फिर तुम पता चलेगा जिस टाइम पराठे तुम रोज़ाना बनाने हो या फिर कटिंग करके। हाँ जी, अगर आटा ज़्यादा नरम होगा ना तो आप जब इसको बेलेंगे या फिर इसकी कटिंग, अभी जैसे हम कटिंग करेंगे ना तो हमारी ईजिली हो रही है, अगर आपका नरम आटा होगा तो वो आपसे हैंडल ही नहीं होगा, इसलिए आपको ज़रा सख्त गून। हाँ जी, इस एक पेड़ा लैके उन्होंने रोटी बेल के फिर इस तरह ना कटिंग कर लवोंगे, देख रहे हो ना छुरी की मदद नाल, या फिर कटर है थोड़े को कटर की मदद नाल तुसी कर सकते। मैं तो छुरी नाल कर रही हूँ कटिंग करके, तो फिर असं भी देख रहे तुसी नाल नाल साढ़े रवे तो देखियो कि बहुत ही पराठा मज़ेदार बनने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। हाँ जी, तो इस तरह करके थोड़ा जि तुसी उपर ना थोड़ी जी पुश्ती लगा लोगे ना खुशका तो थोड़ा इजी पराठा है ना सोहने सोहने लच्छे बनने। तो ये सब्जियां सुब्जियां सन जरा फिर मसाले मसूले सन, तो इस वजह तो मन तो जरा पसंद नहीं आए पराठे, तो वैसे बहुत ही मज़े सब बहुत पसंद आए से बहुत ही ज़बरदस्त बने सन। तो मैं जिस तरह मेरा दिल से ना कि लैदा लैदा तो लच्छे लच्छे पराठा जोड़ा नज़र आए, तो उस तरह वैसे नहीं बनया, सब कहते हैं बहुत ही अच्छा बनया तो वैसे मेरी पसंद नहीं बनया। हाँ जी, क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल यूज़ किए ना तो इस वजह से सही लच्छे नहीं बने, लेकिन बहुत ज़बरदस्त पराठा बना हुआ है और इतने क्रिस्पी इतने मसालेदार, कहते हैं क्या ही बात है ना। लेकिन मामा को नहीं पसंद आया, हमने कहा मामा इससे इजीली बनना भी नहीं क्योंकि वो दूसरा होता है, इसमें हमने वेजिटेबल यूज़ किए हैं इसकी वजह से। हाँ जी बिल्कुल, मसाले मसूले सन प्याज शिमला सारा कुछ सी इस वजह तो, तो सब ने बहुत पसंद आए से, तो मनु वैसे नहीं सी आए, तो इंशाल्लाह सादा आटा बिल्कुल हो ना तो वह थोड़े मैं पराठे सारे सहावगी तो बहुत ही सोहने बन गए। तो जिस टाइम तुम यह रोटी बेलन लगे ना दोबारा पेड़ा करके, तो इस तरह पता है हल्के हाथों नाल तुम देखे ना जिस तरह फोल्ड करना, इस तरह फोल्ड करके फिर दोबारा हल्के हाथों नाल ना करना तुम। हाँ जी, इसको बेल लिए ना हमने तवे पे इसको डाला है और इसको हम फ्राई करेंगे। हाँ जी, इसको बनाएंगे। ये देखें आपको लहर नज़र आ रहे हैं ना छोटे छोटे लहरिए, तो दरमियाना आपने आँच को रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना और हल्के हाथों से आपने बनाना है। तो वेखो असी घी लगाया, तुसी डालटा घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, आयल भी लगा सकते हो, मक्खन भी लगा सकते हो, तुहाडी अपनी चॉइस होंदी है। असी डालटा घी लगाया तो वेखो ना किड्डे सोहने फुल बने ने, किड्डे सोहने पराठे बन के रेडी हो रहे हैं।
ਤੇ ਇਹ ਪਰਾਂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਚਪ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚਟਨੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਲਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਚਟਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਅਬ ਹਮ ਖਾਏਂਗੇ, ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਏਂਗੇ, ਸਭ ਕੋ ਹਮ ਸਰਵ ਕਰੇਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੀ ਮੈਨੇ ਏਕ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਇਸਮੇਂ ਨਮਕ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਤੋ ਹਮਨੇ ਇਸਮੇਂ ਐਡ ਕੀਆ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹਮ ਚਟਨੀ ਕੋ ਸਾਈਡ ਪਰ ਰੱਖੇਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਨੇ ਚਟਨੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸਰਵ ਕੀਏ ਥੇ ਔਰ ਚਟਨੀ ਕੇ ਸਾਥ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਹਮ ਤੋ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਹਮਨੇ ਬਚਪਨ ਮੇਂ ਖਾਏ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਇਸਕਾ ਇਤਨਾ ਟੇਸਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਕੈਸੇ ਹੋਤੇ ਹੈਂ। ਅਭੀ ਹਮਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਖਾਏ ਹੈਂ ਤੋ ਹਮੇਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਮਰੀਸਾ ਕੋ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਕਹਤਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਵਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕਰ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਬਣਾ ਕਰ ਦੀ ਥੀ, ਇਤਨੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੇ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣੇ ਦੇਖ ਕਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰ ਬਣਾਏ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਖਾਣੇ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣੇ ਖਾਏ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਹਮਨੇ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਮਾਮਾ ਨੇ, ਤੋ ਫਟਾਫਟ ਸੇ ਹਮਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਈਸਾ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੇ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਜਬ ਵੀ ਸੋਇਆ ਹੁਆ ਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਹ ਕਾ ਟਾਈਮ ਥਾ, ਤੋ ਵੀ ਸੋਇਆ ਹੁਆ ਥਾ, ਉਸਨੇ ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ ਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਕੋ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਸੋਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੋ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੀ ਹਮਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕੀਏ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਮਾਮਾ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਪਰਾਂਠੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਮ ਹੋ ਜਾਂ ਖਰੀ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖੋ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗੇ, ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਨਾ ਸਾਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਲ ਵਾਜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕੌਣ ਸੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਉਸੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਥ ਸਾਥ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਕੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮ ਚਾਹੇਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪਰ ਨਏ ਹੈ ਤੋ ਲਾਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ ਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।